कि किसी के पास है ना अगर एंडेवर का पता हो कि भाई कोई अच्छी सी एंडेवर मिल रही हो तो मेरे को प्लीज एंडेवर की 4x4 की कोई इन्फॉर्मेशन हो कि भाई कितने में मिल सकती है, कितने साल पुरानी कोई। मैं अपनी वीडियो का प्रीमियर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, बताना कैसी लगी वीडियो। आना तोलिया दे दो। ये देखो मज्जा। तो हे व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो भाई कितना मैसिव व्यू मिलता है अपने थार में से ना, इतना बढ़िया लगता है व्यू। तो भाई सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह एक नंबर काम हो गया हमारे साथ। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, ये शीशा दिख रहा है, ये शीशा टूट गया भाई। अभी ना रास्ते में चल रहा था, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, सामने से एक छोटा सा पत्थर आया, वो बहुत ही तेजी से आया और यहाँ लगा। ये दिख रहा है, अब दिख रहा है भाई, ये शीशा टूट चुका है यहाँ पे और ऊपर भी क्रैक है, ये दिख नहीं रहे थोड़े से। तो ऐसे ही सेम मेरा ना स्विफ्ट का शीशा टूटा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इसको कुछ यूटिलाइजेशन की जाए। तो स्विफ्ट का शीशा ना, मतलब मैंने अप्रोक्स हो गए थे 8-9 महीने हो गए थे टूटे हुए, तो वो पूरा क्रैक हो गया था, मतलब पूरे शीशे पे क्रैक आ गया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने एक मिनट चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, हाँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो में एक सीन, उसमें मैं ना गुस्से में शीशा तोड़ रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा इम्पैक्टफुल भी लग जाएगा, थोड़ा सीन की वजन है सीन का वो बढ़ जाएगा, और ये भी हो जाएगा कि ना शीशा तोड़ा है। तो मेरा शीशा टूटा हुआ था उसमें, तो मैंने ना वो मतलब क्रैक हुआ था, मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से तोड़ा है, फिर हम नया लगवाया शीशा। आने वाली वीडियो में दिखेगा वो सीन। ऐसे ही सेम अब ये तो इस साइड से तो मेरा टूटा ही हुआ था शीशा, जब मैं नई नई गाड़ी लेके आया था तो सेकंड डे पे ये यहाँ से क्रैक हो गया था, इतना ही क्रैक है जितना ये है। तो अगर ये बढ़ेगा तो भाई देखेंगे, नहीं बढ़ेगा तो फिलहाल अपना काम अभी फिलहाल चलता रहेगा। वीडियो में ही सोचूंगा कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक बार परम भाई के पास, परम भाई के पास नहीं, एक्चुअली मैं जा तो वजीराबाद रहा हूँ, वो जो कल काम से गया था ना उसी काम को पूरा करने के लिए, उसके बाद अभी परम भाई से मिलूंगा एक बार। कि किसी के पास है ना अगर एंडेवर का पता हो कि भाई कोई अच्छी सी एंडेवर मिल रही हो तो मेरे को प्लीज कॉमेंट में बता देना यार, थोड़ा मैं ना सर्च कर रहा हूँ एंडेवर के ऊपर ना। क्या कह रहे हो, नई गाड़ी? हाँ मतलब यही सोच सकते हो, घर में ही आएगी अपने, तो कोई मतलब अपने घर में आएगी गाड़ी, तो एक बार प्लीज मेरे को कमेंट में बता देना, डीएम में बता देना, या मेल आईडी लिख दूँ यहाँ पे, मेल कर देना। किसी के पास एंडेवर की 4x4 की कोई इन्फॉर्मेशन हो कि भाई कितने में मिल सकती है, कितने साल पुरानी, कोई ऐसा डीलर हो या कोई बेच ही रहा हो बंदा या कुछ भी ऐसा सीन, तो मेरे को प्लीज कमेंट में या फिर डीएम में या फिर मेल पे बता देना। बाकी फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से, चलो 20 रुपये पड़े हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया मैं, तो इसे अंदर रख देता हूँ छुपा के। अगर एंडेवर की बात कर ली ना, तो दो एंडेवर आ रही हैं पीछे से, ए ए ए देखो एक तो वो रही सामने 0077, अरे एक उसके पीछे आ रही थी। एंडेवर की डिमांड चाहिए, मतलब एंडेवर की डिमांड है, मेरे को चाहिए गाड़ी। ये देखो भाई मस्त बारिश चल रही है, बारिश पे बूंद गिर गई भाई, ऊपर छत पे सामान रखा हुआ था कई सारा, वो सही करने के लिए गए हम, गीले हो गए, अब गीला हो ही गया तो अच्छे से गीला हो गया। मैं सोच रहा था आज ये नहीं लिख जाऊंगा, छोटी गाड़ी चलाएंगे क्योंकि 5-6 दिन हो गए इसे चला रहे, लेकिन जैसे ही बारिश देखी भाई बिना उसके, मतलब अभी मौसम सही सा हो रहा था, धूप धूप से हो रही थी एकदम से भाई, तब देखूँ तो बाहर इतनी कैडी बारिश, मतलब देख लो बाहर स्विमिंग पूल सा बन गया, पूरा पूरा रोड हमारा स्विमिंग पूल सा बन गया। आज जाना भी था, 7 बज रहे हैं अभी फिलहाल, शाम के 7 बज चुके हैं, तो अभी देखते हैं जल्दी से नहा धो के फ्रेश होके फिर जाता हूँ आज रज्जू के घर, वहाँ बैठ के फाइनल आज का एपिसोड वीकेंड का वार तो देख लेते हैं, फिर अपने घर कंटिन्यू कर लेंगे या जैसे भी माहौल बनेगा। अभी फिलहाल जाने का मन तो हो ही गया, तो मैंने कहा चल चलते हैं, बट बारिश पड़ गई देखो आ रहा है। ठीक है ठीक है सर, भाई इसका फायदा देखो, आना तोलिया दे दो। माना बोलता मम्मी सुना देता है।
हाथ दर्द हो गया, देखो हाथ देखो काट देती है यार तू, देखो पैर देखो ऊपर मैं फिलहाल जल्दी से निकल रहा हूँ। हमारे भाई ने ना नया एक नया लेकर आया हूँ मायू, यहाँ पे ना मेरे मतलब टेबल बनवानी थी शादी के टाइम पे, ना टेबल बनवानी थी शादी के टाइम पे, टेबल बन नहीं पाई अपनी, तो लकड़ी वकड़ी बाहर रखी हुई है। तो अभी है ना ये मेरे को एक सही से टाइम सही सी उस पर मिल रहा था, मैं उठा लाया भाई और अच्छा भी लग रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंधेरे में कितना सेक्सी लग रहा है। ऐसे लगेगा भैया, देखो लिखा हुआ, बट बाकी भाई ओवरऑल कैसा लग रहा है मेरे को प्लीज़ कमेंट बता देना, बढ़िया ही लग रहा है मेरे ख्याल से। किस तरीके की बनेगी कैसे बनेगी वो तो मैं चलो बता ही दूंगा, फिलहाल एक बार जल्दी से होके और आते हैं। ये देखो मज्जा यार, एक्सीलेटर देने में जो मजा आता है ना भाई, जो कॉन्फिडेंस मिलता भाई, सब जाम लग रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ में जाम, सोच मेरी गाड़ी बंद होगी खैर होनी तो नहीं चाहिए, खैर बाकी ओवर हो गया, थोड़ा साइड देना हमें थोड़ा सा। ये देखो ये मस्त वाली चीज होती है भाई, थार लेके जाने का मेरा मकसद ही है, क्योंकि इस साइड से जो है ना ये पूरी लेन खाली रहती है और यहाँ अपनी गाड़ी चल सकती है बिना किसी डर के, सबसे मतलब सबसे कोने में चल सकती है। देखो सारे हैं जाम, यहाँ है यहाँ पे सब जाम और अपन यहाँ चल रहे हैं। बाहर से दिखाऊं क्या, बाहर से दिखाता हूँ। भाई गुड़गांव में नदियां बह जाती है, मतलब एक थोड़ी सी बारिश हुई और नदियां बह गई। मुझे जी आज तो टाइम पर भाई कैसे सबसे पहले कैसे रिएक्ट कर रहे हो, एक मिनट बिग बॉस की तो एंडिंग हो गई है, अब डेली की तरह के ओहो मैं फोन ले आया, चाबी ले आया, चलो बाकी तो कुछ लेकर आया है भाई। दो दिन की छुट्टी खत्म होगी, दो दिन की छुट्टी खत्म होगी, मतलब लाइव में भी है ना, मजे तो लाइव में ही है, बट लाइव में कभी कोई सीन निकल जाता है एक साथ, वो एक साथ बैठने बैठ के देखने वाला मजा है भाई उसमें। क्या चल रहा है, मैं आज देख रहा विकास भाई की स्टोरी, अरे मतलब BMW में चल रहे थे, मैंने कहा भाई डूब जाती हो रास्ते में, ओ यार कोर्ट में यार उंगली मारता है यार, अभी तो पेट में दी है उंगली यार, वैसे को बहुत प्यार लग रही है। चलो भाई जान पूछ के बोले जिसका कोई सर पैर नहीं, यार सीरियसली बताऊं ना, टू बी ऑनेस्ट, ये बारी से थोड़ा नीचे करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरे को उतने ज्यादा मजे नहीं आ रहे फिलहाल वीकेंड के बाहर में, जो सल्लू भैया हमारे सलमान खान जब आते थे ना तब आते थे, वो वाले मजे नहीं आ रहे फिलहाल, बस ये है कि हाँ ठीक है चल रही है तो चल रही है। सीन ऐसे है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने भाइयों को मतलब सबको बुला के, जितने भी फ्री हो उन सबको बुला के एक बार प्रीमियर देना चाह रहा हूँ कि ना, क्योंकि एक तो इतने दिन बाद आ रही है तो इनके भी एक बार रिव्यू निकल जाएंगे, अगर कुछ कमी हुई तो, बाकी ओवरऑल कमी नहीं हुई तो भाई वेल एंड गुड, हम रेडी टू गो हो जाएंगे। मैंने बताई थी ना एंड में बस एक पॉइंट आ जाएगा, आज संडे पड़ गया एंड संडे की वजह से हम
ब्रांड को आगे पिच नहीं कर पाए, नहीं चीजें हो पाई वो चीज। उन्होंने बोला है कि मंडे को करेंगे सारी चीज, इट्स मीन्स कल होएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कल एक अपनी वीडियो तो बनेगी, उसके बाद एक मैं इसे शॉर्ट फिल्म बोलूंगा क्योंकि 45-50 मिनट के आसपास की अपनी वीडियो है। ओवर रिव्यू लेते हैं कि भाई कैसी लगी है और क्या चीज है, इतने दिनों बाद आ रही है तो लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, तुम सबको कैसी लगी, तो ये सारी चीज मैं सोच रहा हूँ। अभी वहां जाके बैठ के बात करते हैं कि भाई किस दिन फ्री है, कल परसों तरसों में। तो मैं इस वीडियो को ना कंप्लीट करके पैक करके एक बार दिखाता हूँ इन सबको और इन सबका रिव्यू लेते हैं। उन सबकी वीडियो मतलब समझ आएगा ना, सबको पता चलेगा कि भाई एक तो वीडियो आ रही है इतने दिन बाद आ रही है और दूसरी चीज कैसी आ रही है, साइड से चमकती फिरती है। बताओ कल या परसों में से कौन सा दिन फ्री हो? मैं अपनी वीडियो का प्रीमियर कर रहा हूँ। अच्छा मैं क्या दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, बताना कैसी लगी वीडियो परसों। अरे यार गलत आदमी से पूछो, परसों इससे तो मैं पूछ ही नहीं रहा भाई, इससे तो मेरे को बोलना है बस। गाइस आपको पता है नहीं मैं एक ऐसा इंसान हूँ, नहीं नहीं सुनना, नहीं सुनना भाई। आपको पता है, आप सुन तो लो, मत सुनो भाई, अपने घर जाओ। प्रीमियर करता हूँ वीडियो का। प्रीमियम करना है जो प्रीमियम नहीं प्रीमियर उससे क्या होता है। अरे वीडियो का भाई दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे को पहले बता दो। गलत आदमी से पूछो भाई, मैं ऑफ कैमरा पूछता हूँ ठीक है इनसे ना, इसे ऑफ कैमरा समझाता हूँ। इसने सब पता है भाई, आ गया रोला मचा रखा भयंकर, आवाज ही नहीं आ रही होगी हमारी तो। भाई क्या जन्मदिन है, इनका जन्मदिन है, जन्मदिन चल रहा है। जन्मदिन तो नहीं है फिर, क्यों क्यों रोला मचा रखा है, बोलते क्यों नहीं हो? अरे मतलब इन लोगों हॉस्पिटल से आए ना, पागल थे वो। नहीं अब नहीं है, चलो बच्चे लेकिन अब नहीं है। अच्छा थे, ये मेंटल डॉक्टर है भाई ये। सो गाइस आपको पता है कि मेरी तरफ आप देख रहे हो और आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा हूँ तो लाइक करना, कमेंट करना और अपना प्यार दिखाना। एंड एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि